पास मेरा सवाल है सर, सर तीसरा, ये सर एक सर तीसरा, सर सजेशन है, सवाल नहीं है, सजेशन है। आज जो हमने ये है ना, आज हमने विमेन एम्पावरमेंट की बात की तो उन्होंने एक सांस में चार सवाल कर लिए। सर मैं सजेशन दे रही थी, मैं सवाल नहीं करी। स्पीकर साहब मैंने ये इसलिए ये यंग डॉक्टर्स के कहने पे यहाँ पे हमने कॉलिंग अटेंशन डाली थी कि एक तो बिल्कुल ठीक है कि इनके एग्जाम का इशू है कि पूरे पाकिस्तान के तमाम जो स्टूडेंट्स हैं डॉक्टर उनके लिए आपका 50% क्राइटेरिया है और दुनिया में भी, लेकिन जो बाहर से बच्चे स्टूडेंट पढ़ के आते हैं उनके लिए आपका 70% है। तो एक मुल्क में स्टूडेंट के लिए दो कानून ओवरसीज पाकिस्तानी या जो बाहर से पढ़ के आते नहीं हो सकते। सर दूसरा मेरा ये है कि सर मैं पंजाब की बात करना चाहती हूँ। सर 2008 में MBBS और BDS के टोटल मिला के 4000 सीट्स हैं। अब सर 2008 से लेकर आज 2024 16 साल में आज भी पंजाब 4000 सीट के ऊपर खड़ा है, जबकि हमारी आबादी जो है वो 13 करोड़ तक चली गई है। प्लीज दरवाजा बंद करें या शोर आ रहा है अंदर। जी अब सर यानी 16 साल में पंजाब में हमारी मेडिकल की सीट सिर्फ 4000 16 साल के अंदर उतनी की उतनी खड़ी है। अब सर ये जो सूबे होते हैं इसमें मेडिकल जो सीट्स होती है ये आबादी के लिहाज से नहीं होती, ये होती है कि आपके मेडिकल कॉलेज में आपके पास कितने बेड्स आपके पास अवेलेबल है। और सर ये जो 4000 स्टूडेंट्स हमारे पढ़ के जाते हैं, ये MBBS पढ़ के जाते हैं, सर इशू ये है कि इसमें सिर्फ 1800 जो है वो कंसल्टेंट बनते हैं, बाकी 18 - 4000 भी बाहर चले जाते हैं। अब सर मेरा सर ये सवाल ये है कि हमारे पास ये 1200 स्टूडेंट बाहर से आए, एक तो सर हम इनका 2 साल के अंदर एक दफ़ा एग्जाम दे रहे हैं, रेगुलेट करें कि 1 साल के अंदर इनका 2 दफ़ा एग्जाम होना चाहिए, टॉर्चर से बचाना चाहिए। दूसरा सर इनका क्राइटेरिया पाकिस्तानी स्टूडेंट के बराबर लाके 50% दे, इनको मकसद फेल करने का तो नहीं है। सर तीसरा ये कि जो हमारे ये जो डॉक्टर हैं 4000 हैं, ये मैं पंजाब की बात कर रही हूँ, सर 16 साल में कोई सीटें तो बढ़ाएं, आखिर हमारे मुल्क के अंदर सीटें बढ़नी है कि नहीं से बढ़नी है। तो सर ये मेडिकल कॉलेज में इजाफा होगा, बेड में इजाफा होगा, स्टूडेंट में इजाफा होगा, तो ही सर हमारे पास कोई डॉक्टर आएंगे। तो सर मेरा सिर्फ इनसे ये सवाल है कि काइंडली इसको जी माइक खोलो कि 1 साल में डेट होना चाहिए, इनका क्राइटेरिया 50% पे करें ताकि हमारे डॉक्टर साहिबान जो वो यंग वो पास हो सके। और सर तीसरा लास्ट मेरा सवाल है सर सजेशन है, सवाल नहीं है, सजेशन है। आज जो हमने ये है ना, आज हमने विमेन एम्पावरमेंट की बात की तो उन्होंने एक सांस में चार सवाल कर लिए। सर मैं सजेशन दे रही थी, मैं सवाल नहीं करी। सर मैं सजेशन दे रही थी, सर हमारे बच्चे जो बाहर से पढ़ते हैं वो माइग्रेट होके वापस पाकिस्तान आते हैं, जब वो पाकिस्तान आते हैं तो सर 2-2 साल उनके जाया हो जाते हैं। तो सर वो हमारी जो बच्चियां या जो बच्चे बाहर पढ़ के जाते हैं तो सर सुनी तो पर पाकिस्तान से कम स्टैंडर्ड के ऊपर किर्गिस्तान, ईरान, चाइना ये पढ़ने जाते हैं। सर इसको कोई तरीका तो करे कि उनको कोई इनकी अटेंशन खत्म करके इनको डॉक्टर करके यहाँ पे रेगुलेट किया जाए। शुक्रिया जी, आप भी एक सांस में जवाब दीजिएगा।